भाई कहने की जरूरत नहीं है कि आज दिन भर आपने ढोल की आवाजों पे नृत्य किया होगा। रंग, अबीर, गुलाल, उमंग, उत्साह चारों ओर फैले होंगे। और जब आज का दिन इतना खूबसूरत रहा है तो आपकी शाम भी खूबसूरत होनी चाहिए। तो आज इस होली के रंग भरे उत्सव पे सारे देश को सबसे पहले होली की शुभकामनाएं, और जीवन में ये होली आपके लिए खुशियां लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए, यश लाए, कीर्ति लाए। जितने सारे रंग हैं उतनी ज्यादा खुशियां आपके जीवन में फैले, जितने ज्यादा रंग है उतनी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में हो, और हर क्षण हर पल होली के रंगों की तरह उत्साह भरा हो। और हर पल के लिए हम मिलकर कहें बहुत खूब। तो जब होली का दिन इतना शानदार आपका रहा, मैं जानता हूं अभी तक कुछ लोगों के चेहरे से रंग नहीं उतरा है, उतारने की भी जरूरत नहीं है। रंग कुछ ऐसे होने चाहिए जो जिंदगी भर चढ़े रहने चाहिए। ये रंग तो हो सकता है कि एक दो दिनों में, आज नहीं तो कल आपके चेहरे से उतर जाए, लेकिन कुछ रंग जीवन में नहीं उतरने चाहिए। जैसे कि मोहब्बत का रंग, जैसे कि प्यार का रंग, जैसे कि दोस्ती का रंग, जैसे कि एहसासों का रंग, जैसे कि जज्बातों का रंग, जैसे कि भावनाओं का रंग। ये रंग अगर हमारे जिंदगी में हमारे हृदय पे चढ़ रहे तो फिर सच कहिए सारी दुनिया कहेगी बहुत खूब। होली का दिन इतना शानदार रहा, जानदार रहा, मैं जानता हूं आप बड़े मस्त हैं। भंग की तरंग में, रंग की मस्ती के अंदर बड़े मस्त हैं। इतना दिन जब शानदार आए तो शाम तो शानदार होनी चाहिए। तो इस शाम को शानदार बनाने के लिए हम लेके आए हैं होली स्पेशल बहुत खूब। होली के स्पेशल एपिसोड में हमारा आपसे वादा है कि हम आपको कुछ ऐसा सुनाएंगे कि आप हंसेंगे भी, ठहाके भी लगाएंगे, और कुछ ऐसा कि होली के दिन आपको अपना प्रेम, अपना प्यार, अपना बीता हुआ कल, अपना रंगों भरा वर्तमान और उज्जवल भविष्य सब एक साथ नजर आने लगेगा। तो ये सब दिखाने के लिए, ये सब सुनाने के लिए, आपके जीवन के रंगों में और रंग भरने के लिए और रंगों में उमंग पैदा करने के लिए जो हमारे तीन साथी हैं, जो अपनी अपनी कविताओं की पिचकारियां लेके आएंगे और आपको बोर कर देंगे, आइए मिलते हैं हम उनसे। हमारे साथ हैं मुंबई के महेश दुबे। महेश दुबे जी, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। अच्छे हैं? बढ़िया। रंग वंग खेला? खेला खेला। किसके साथ खेला? भाभी को छोड़ के बाकी पूरे गांव से खेल। तो भाभी को छोड़ के क्यों? वो खेलती नहीं मेरे साथ। चलिए, हो सकता है वो भैया के साथ होली खेल रहे हैं। आइए अब हम बुलाते हैं उन्हें जो होली के दिन आपको प्रेम के गीत सुनाएंगे, डॉक्टर सरिता शर्मा। सरिता जी, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी रंगारंग शुभकामनाएं। होली खेली कि नहीं आपने? होली ही खेल रहे हैं हर पल हम। हाय 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 हाय, जो हर पल होली खेल रहे हैं, भाई क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मैं बुला रहा हूं उन्हें जिन्हें देख के लोगों को लगता है कि इनकी होली तो होली, पर ऐसा नहीं है, वो हर पल होली खेलते हैं, जीवन के हर क्षण को रंगों से भरने की क्षमता रखते हैं। आइए हम बुलाते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा को। पंडित जी राम राम। जय हो आपके। कैसे हैं आप? अभी तक तो ठीक हूँ। अभी तक तो ठीक है भाई, क्या बात है पंडित जी, आपकी अदा क्या कहना है कि आप अभी तक तो ठीक हैं। होली का अवसर है तो आप तीनों लोग एक साथ सारे देश को कहेंगे होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तीनों के इस कोरस के लिए बहुत खूब।
तो हमारे साथ है पंडित विश्वेश्वर शर्मा, डॉक्टर सरिता शर्मा, महेश दुबे। तीनों को परिचय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा कहा जाता है कि परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिचय की आवश्यकता जीवन में वैसे तो होती है, अन्यथा आपको बतौर कवि कवित्री परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन पहली बार किसी से मिले तो परिचय की आवश्यकता होती है। होली का दिन है, होली का अवसर है, होली के दिन शैतानियां भी बहुत होती है और होनी भी चाहिए। शरारतें जीवन में बड़ी काम आती है, जैसे कि एक साहब थे, घर पर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी उन्हीं के दोस्त के साथ रोमांस कर रही है। उन्होंने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और दोस्त को गोली मार दी। बीवी ने कहा, अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखो वरना एक भी दोस्त था नहीं रहेगा जीवन में। तो ये जो इस तरह की छोटी मोटी शरारतें होती है, होली पे जायज है, करनी भी चाहिए। पंडित जी, आपको याद है आपने होली पे कभी कोई शरारत की हो? अब सैकड़ों शरारतों में से कौन सी निकल के बताऊं? एक आपको याद हो, एक आध कोई शरारत कभी होली पे? अजी, होली पे जा रहे थे हम गुलाल वगैरह उड़ाते हुए जी, तो मैं गुलाल से बचता हुआ जा रहा था, कोई मेरे ऊपर डाल नहीं दे। अच्छा, तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और मैं काफ़ी देर तक बचता हुआ चला गया। और हम तब राजस्थानी में वो होलियाँ गाया करते थे जी, डफ वफ ले करके जी। इतने में जिस मोहल्ले से गुजर रहे थे उसकी सिनेमा स्टाइल में खिड़कियां खुली और उन खिड़कियों में से जो गुलाल आके बरसी। अच्छा, तो फिर बोलना बोलना सब बंद हो गया और भूत की शक्ल में खड़े हो गए। अच्छा, ये जवानी के दिन है, क्यों हमारी जान के दुश्मन बने हो? याद आते हैं दिन तो आंखों नहीं में तो मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गुलाल याद आ रहा है या खिड़की याद आ रही है, खिड़की में से जिसने गुलाल फेंका वो याद आ रहा है? याद करता है, गुलाल तो बहाना थी, कमाल करते हैं। तो गुलाल तो जो बहाना था, लेकिन क्या क्या ऐसा क्या याद आ रहा है जिसको याद करके आज भी आपके जो गुलाल वाले गाल है वो लाल हो गए? आपने कभी किसी से इश्क किया है? देखिए, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने इश्क नहीं किया? नहीं, बहुत से हैं, 100 में से 99 ऐसे होते हैं जो इश्क नहीं करते, एक मुश्किल से मिलता है। नहीं, हमने तो किया है पंडित जी, हमने इश्क किस्मत में लिखा है, हमने तो इश्क किया है। तो वो इश्क जिसने किया है वो इस बात को जानता है कि खिड़कियों का खुलना, ऊपर से गुलाल का गिरना और किसी मतलब आवाज का, होली की आवाज का ऊपर तक पहुँचना और फिर आंखों का रंग बदलना। क्या बात है, अजय, इससे होली याद मत दिलाओ, मैं चला जाऊंगा। भाई, मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है, मुनव्वर राणा साहब से माफी मांगते हुए मैं कहता हूँ। मुनव्वर राणा साहब कहते हैं कि इश्क में राय बुजुर्गों से नहीं ली जाती, कि आग बुझते हुए चूल्हों से नहीं ली जाती, लेकिन आपको देख के कहना पड़ता है कि इश्क में आप जैसे बुजुर्ग से ही राय लेनी चाहिए कि क्या क्या किया जाए। भाई, बहुत बढ़िया। आप बताइए महेश जी, कोई होली के दिन का याद आता है कोई किस्सा? हाँ, एक लड़की से मैं प्रेम करता था, तो होली के दिन मैं एक रंग का एक कटोरा जैसा बड़ा लेकर के उसके पीछे दौड़ा उसको रंगने के लिए जी। और वो मुझसे ज्यादा चपल थी। अच्छा, तो वो तो निकल गई, मेरा पैर फिसल गया और मैं कुत्ते पे गिरा और रंग सारा उस कुत्ते को गिरा, उसने मुझे काट भी लिया। अच्छा, तब से मैंने प्रेम से तौबा कर ली। और लड़की को पता चला कि कुत्ता कौन है? नहीं, वो उसी ने छोड़ा था। अच्छा, रंगने के बाद क्या मालूम नहीं चलता है ना कि क्या स्थिति हो जाती है, मालूम ही नहीं चलता। लेकिन देखिए, महेश दुबे जी से हम ऐसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन सरिता जी आप बताइए। मुझे जब बातें हो रही थी तो एक वाकया याद आ रहा था जी। मैं शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। अच्छा, आप पढ़ी हैं 7वीं 8वीं? जी जी। तो हमारे गांव में तहेरी बहन के पतिदेव, मतलब हमारे जो कुनबे के जीजाजी पूरे, उनको होली पर आमंत्रित किया गया। तो वो जब आराम करने लगे, थके हुए आए थे, तो उनकी नींद लग गई, तो हम लड़कियों ने मिलके उनके पैरों पर खूब गाढ़ी जो आलता होती है, महावर होती है, वो बहुत सलीके से रचा दी और ऐसी रचाई कि वो महीनों नहीं छूटी। और वो अब तक हमसे नाराज होते हैं जब भी मिलते हैं कि तुम लोगों ने मेरा बड़ा मजाक बनाया था। तो बहुत मजा आया हमने जब उनको इस तरह। आपने तो उनका, आपके साथ किसी ने कोई मजाक किया कभी होली पे? आप देख के आपको लगता है कि इतनी कोई हिम्मत होगी किसी की मुझसे मजाक? मैं सवाल भी नहीं पूछ रहा, छोड़िए, आपका कोई भाई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं सरिता जी कब तलवार निकालने को मालूम नहीं पड़ता। लेकिन होली के दिन दिक्कतें हो जाती है, होली के दिन अक्सर दिक्कतें हो जाती है, ऐसी ऐसी दिक्कतें हो जाती है। जैसे हमारे मोहल्ले में एक औरत होली के दिन रो रही, बुरी तरह से रो रही। अरे, मैंने कहा क्या हुआ, क्या क्यों परेशान? सुबह से मोहल्ले के 12 बच्चे धोली, अपना एक नहीं मिल रहा है उसमें से, मतलब जो अपने बच्चों को धो रही और पता नहीं चला। होली के दिन ऐसे कमाल होते रहते, यहाँ भी कमाल होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कहिएगा। बहुत
एपिसोड में स्वागत है आपका और होली का एपिसोड। और होली तो भाई हमारी परंपराओं का एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन मस्ती होती है। विश्वेश्वर जी कह रहे थे कि होलियां गाई जाती थी और होलियों पे तो गालियां भी गाई जाती थी। तो होली पे जो हमारी ये गीत गाने की परंपरा है वो सदियों पुरानी है। और होली का अवसर हो, फागुन का महीना हो, चारों तरफ रंग और गुलाल हो, अबीर हो, और ऐसे में गीत ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। तो आपके इस होली के त्यौहार को और खुशनुमा बनाने के लिए हम चाहते हैं कि सुरों के साथ होली मनाएं। और इसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता शर्मा। होली पर ब्रज के परिवेश का पहले एक छंद पढ़ती हूँ। जी सुना। गोपियां आमंत्रित करती हैं भगवान कृष्ण को, और किस प्रकार चुनौती देते हुए आमंत्रित करती हैं सुनिएगा। जी। कि अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, देखेंगे अनाड़ी है के सांचो ही खिलाड़ी है। अयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, देखेंगे अनाड़ी है के सांचो ही खिलाड़ी है। गोपिन के दल से तू जीत पावे तो है जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरी वर धारी है। क्या बात है। और जसुदा के लाल फेरे करियो मलाल मत, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है। और छोरन में छोरा जैसे नंद जू को लाल, और गोरी न में गोरी वृष भानु की दुलारी है। और होली का पर्व एक ऐसा पर्व भी होता है जिस पर लोग अपने मन में छिपे हुए प्रेम का इजहार भी करने के लिए उस दिन को प्रयोग करते हैं जी। क्योंकि थोड़ी सी छूट होती है उस दिन। तो एक छोटी तो हमारे बचपन में भी कहा जा सकता है भाई प्रेम का इजहार सामने वाले मान ले तो आई लव यू, नहीं तो बुरा ना माने होली है। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। लेकिन मैं इसी को भगवान कृष्ण और एक गोपी के माध्यम से कहना चाहती हूँ। एक गोपी आमंत्रित करती है भगवान कृष्ण को, और बहुत डरी डरी सहमी, क्योंकि छोटी उम्र की गोपी है लेकिन प्रेम करती है कृष्ण से। अपना प्रेम प्रस्ताव किस प्रकार पहुंचाना चाहती है, होली खेलना चाहती है, उसका आमंत्रण सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। अयो खेलन होरी कसम तोहे मोरी, कुंवर तोहे तर कर दूं। हाय हाय क्या बात है। मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोरी, नजर से ही मन भर दो। हाय भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अयो खेलन होरी कसम तोहे मोरी, कुंवर तोहे कर दूंगी, मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोरी, नजर से मन भर दूंगी, मन भर दूं। क्या बात है। नैनन आज कटी लो कजरा। क्या बात। नैनन आज कटी लो कजरा, घूंघट पट पचरंगी अचरा, मैं मन की अति भोरी, जरिया गोरी नेह रस निर्झर दूं। क्या बात है भाई। वाह वाह बहुत अच्छे भाई, बहुत भाई बहुत बढ़िया। उम्र मेरी थोरी, नजर से ही मन भर दूंगी। और बहुत विशेष बंद कि रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, कोरो मनवा आज रंगाऊं, तोरे मन बस जाऊं, तोरे मन बस जाऊं, न तनिक लजाऊं, करे जवा में तोहे धर लूंगी। हाय 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 हाय। अरे भाई क्या बात है भाई। वाह 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 भाई बहुत खूब बहुत खूब। मत करियो बर जोरी, उम्र मेरी थोरी, नजर से ही मन भर लूंगी। आखिरी बंद पढ़ती हूँ जी। कि जोरू हाथ परू तेरी पैया, जोरू हाथ परू तेरी पैया, दुखे मेरी नरम कलैया, भीजे चूनर कोरी, क्या बात, हसे छोरा छोरी, कहो जी कहा उत्तर दूंगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। मन की अति
गहरिया गोरी नेह रस निर्झर दूंगी अयो केलन होरी कसम तोहे मोरी कुवर तोहे तर कर दूंगी। वाह 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 बहुत खूब वाह वाह। सरिता जी मुझे उन तालियों की आवाज सुनाई दे रही है जो सारे देश में इस वक्त लोग घरों में अपने टेलीविजन के सामने बैठ के बजा रहे हैं। भाई क्या बात है, वो कह रहे हैं कि शैलेश जी आपने कमाल कर दिया, होली अभी तक तो चल रही है और कमाल होली है। भाई आपने जो गीत सुनाया है एक बार और जोरदार तालियां आपके मुग्ध कर दिया, क्या बात। और आप भी अगर जैसा कि सरिता जी ने कहा किसी से प्यार करते हैं तो कहिए कहिए कि मैं तुझे तर दूंगी या तर दूंगा या कलेजे में धर दूंगा। भाई मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि फिर रंग डालो, अरे अगले को रंगो, रंग से तो गुलाल से तो अबीर से तो, लेकिन उससे पहले अगले को रंग दो अपनी मोहब्बतों से। और मोहब्बतों का रंग कभी उतरता नहीं है, उतरना चाहिए भी नहीं। और कविताओं का रंग तो कभी नहीं उतरता साहब, कविताओं का रंग ऐसा है जो नशा बन के आपके सर पे चढ़ता है। तो अभी ये नशा बाकी है। मैं जानता हूँ होली के दिन हमारे मित्र लोग बहुत नशा करते हैं, लेकिन हम जो नशा आपको दे रहे हैं उस नशे का उतरना असंभव है। तो आइए इस नशे की एक डोज आपको देते हैं ब्रेक के बाद। बहुत मस्ती है, धूम है, उमंग है, रंग है, कविता है, हंसी है, ठहाके हैं। तो आइए हंसी और ठहाकों की इस महफिल में होली के दिन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, एक नशा ऐसा जो कि उतरेगा नहीं और उतरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कविताओं का नशा तो जिंदगी भर बना रहना चाहिए। तो होली के दिन हमारे भोजपुरी प्यार वाले सेगमेंट में आ रहे हैं महेश दुबे। हमसे पहले सरिता शर्मा जी यहाँ कविता सुनावत रहनी, और इतनी सुंदर आवाज, इतना सुंदर व्यक्तित्व, जैसे लगत रहल जैसे फागुन में बसंत आई है। ओकरे बाद पतझड़। होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का, होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाए गए धक्का। बंठन के नारी जो निकरी बाजारे, बंठन के नारी जो निकरी बाजारे, ओके हम पोती रंग लहली मजारे। बंठन के नारी जो निकरी बाजारे, ओके हम पोती रंग लहली मजारे। देखे त निकरा ऊ छक्का हो रामा, देखे निकरा ऊ छक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का, होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का। घरवे में केहू के हम नाही चीन्हे, चाची के पिठिए पर धई चुटकी बीने। घरवे में केहू के हम नाही चीने, चाची के पिठिए पर धई चुटकी बीने। बल भर लतियान कक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का, होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का। सस्ता कलर लेके कुल पोती नाए, सस्ता कलर लेके कुल पोती नाए, अपने में हरिया के बानर बनाए। करियर का रंग भयल पक्का हो रामा, होरी में खाए गए धक्का, होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाए गए धक्का। झटपट उठाई के पिए ठंडाई, झटपट उठाई के पिए ठंडाई, बाद में हजारन का कैली दवाई। नटई में अटका मुनक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का, होरी में खाई गए धक्का हो रामा, होरी में खाई गए धक्का। गुंडा के बहिनी के हम आज छेड़े, अच्छा गुंडा के बहिनी के हम आज छेड़े, तब से चलत बाटी लंगड़ा टे। हाथ गोड़ तोड़ देह से लुखा हो रामा, होरी में खाए गए धक्का। एक मेहरा रूप फोड़े गुब्बारा,
एक मेहरा रूप भोरे गुब्बारा उमारे चप्पल से कई कई हुंकारा। एक मेहरा रूप भोरे गुब्बारा उमारे चप्पल से कई कई हुंकारा। हो गईली हम हक्का बक्का हो रामा होली में खाई गए धक्का। होरी में खाई गए धक्का हो रामा होरी में खाई गए धक्का। पेची पर पोती पोती मरचा का बुक्का हम पियै ले न गोइया जो हुक्का। मूरख रहे जो लपक्का हो रामा होरी में खाई गए धक्का। होरी में खाई गए धक्का हो रामा होरी में खाई गए धक्का। पापी रहन हमरे संगी ओ मित्रा। अच्छा। गटरे के पानी से कैलेन पवित्रा। पापी रहन हमरे संगी ओ मित्रा गटरे के पानी से कैलेन पवित्रा। मुहे प मारेन छपक्का हो होरी में खाई गए धक्का। होरी में खाई गए धक्का। और आखिरी है मीठ मीठ खाए जो जामुन गुलाबा। जामुन गुलाबा। मीठ मीठ खाए जो जामुन गुलाबा सरे मिलाई देहन गोली जुलाबा। मीठ मीठ खाए जो जामुन गुलाबा सरे मिलाई देहन गोली जुलाबा। भोगत है दस ग पक्का हो रामा होरी में खाए गए धक्का। दुबे जी आपने होली के एपिसोड को लाजवाब कर दिया। होली में खा गए धक्का। और ये जो सारी घटनाएं हुई होगी कि गटरन के पानी से जो मुंह पवित्र हुआ और जब मारा छपक्का, हमारे कई दोस्त होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे। सूर्य कुमार पांडे जो हैं वो बड़ा कमाल करते हैं, शहर के जो ये गड्ढे होते हैं ना उन पे भी उन्होंने इश्क निकाल दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरे शहर की सड़कें। क्या बात। तुम्हारे गाल के गड्ढे हैं मेरे शहर की सड़कें। फंसा जो इसका इक्का निकाले से नहीं निकला, तो ये जो इसका इक्का जो गाल के गड्ढों में फंस जाता है वो नहीं निकलता। लेकिन ये जो सड़क के गड्ढे हैं जिसमें होली के दिन कुछ लोग पवित्र हो जाते हैं, और जो पवित्र होते हैं वो किस विशिष्ट किस्म का पेय पदार्थ पीते हैं उसकी वजह से। पंडित जी आपने विशिष्ट किस्म का पेय पदार्थ पिया है कभी? क्यों पिया है, मतलब बरसों तक पी रखा तो फिर मतलब 15-20 बरस तक उतरा ही नहीं। अब नहीं पीते? अब कोई पिला दे तो पी ले। भाई मैं साफ गोई पे कुर्बान चाहता हूँ, परवीन जी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं नहीं पीता, कोई पिला दे तो पी लेता हूँ। अब ये तो सामने वाले की मर्जी। भाई पंडित जी ये इसे कहते हैं अनुभव। क्या बात है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। कि जवाब दे भी दिया, सच भी बोल दिया, और ऐसा भी नहीं कहा कि किसी को बुरा लगे, और बुरा लग भी जाए तो बुरा न मानो, होली है अभी और मस्ती होनी है। लेकिन ब्रेक के बाद भाई होली के दिन किसी चीज का बुरा नहीं माना जाना चाहिए, और होली तो दिन ही मस्ती का है। तो आइए मस्ती के इस दिन आपके और मस्ती को बढ़ाने के लिए हम बुलाते हैं ऐसे मस्त व्यक्ति को जिनके जीवन का हर क्षण मस्ती की एक परिभाषा है। 77-78 वर्ष की उनकी उम्र, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों का जादू, उनकी कविताओं का आनंद, उनकी पैरोडी का नशा, भाई क्या कहा जाए। पंडित विश्वेश्वर शर्मा अपने आप में एक पूरे के पूरे पैकेज है। आइए हम बुलाते हैं होली के दिन पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी को। होली के दिन तो धक्का महेश बा, होली के दिन तो धक्का, होली के दिन तो धक्का महेश बा, होली के दिन तो धक्का। अब बड़ी मुश्किल है, मुझे देख देख के हंसो, इसी का नाम होली है। ये सत्ता चमक चलो, ये सत्ता चमक चलो, ये कुर्सी चमक चलो, ये सारी पार्टियां चमक चलो, चमक चलो, ये सत्ता चमक चलो, साड़ी संसार की, साड़ी मतदान की, लहंगा इंसान का, पावर की चोली पहने चमक 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 चलो, क्या बात है, ये सत्ता चमक चलो,
मेरी सरकार जान नच के दिखा दे, मेरी सरकार जान नच के दिखा दे, मेरी उमराव जान नच के दिखा दे, आ मेरी जनता से अखियां मिला ले, जश्न बना ले मेरी जान, बड़ बोली चमक चलो ए गोली चमक चलो, क्या बात है, ए होली चमक चलो ए सत्ता चमक चलो, ए कुर्सी चमक चलो, ये सारी पार्टियां चमक चलो चमक चलो चमक चलो। भाई बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। कई दिनों से देख रही हूँ जब भी आँख खुले, कई दिनों से देख रही हूँ जब भी आँख खुले, पिछली रात पड़ोसिन के घर बत्ती लाल जले, कई दिनों से देख रही हूँ जब भी आँख खुले, पिछली रात पड़ोसिन के घर बत्ती लाल जले, फिर मेरे घर तक आती है खुसुर फुसुर आवाज़ें, फिर मेरे घर तक आती है खुसुर फुसुर आवाज़ें, घड़ी जूम का घड़ी जांझ रहे घड़ी चूड़ियां बाजी, हाय हाय क्या बात है, मेरे घर तक आती है खुसुर फुसुर आवाज़ें, घड़ी जूम का घड़ी जांझ रहे घड़ी चूड़ियां बाजी, खिलखिलाहटें गूंजा करती जब तक दौर चले, हाय हाय, पिछली रात पड़ोसिन के घर बत्ती लाल जले, पर्दे के पीछे आती है कुछ धुंधली छायाएं, पर्दे के पीछे आती है कुछ धुंधली छायाएं, किसी वक्त तो अलग अलग और किसी वक्त मिल जाए, मिठ बोली मेरी सौतन के मन में पाप जले, हाय हाय, पिछली रात पड़ोसिन के घर बत्ती लाल जले, मैं कई दिनों से देख रही हूँ जब भी आँख खुले, हाय, पिछली रात पड़ोसिन के घर बत्ती लाल जले। रुके 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 पंडित जी, अभी आप कहाँ जा रहे हैं, पंडित जी की शैतानी आपने देखी, भाई होली के दिन इतनी शरारत तो चलती है कि लाल बत्ती जो जलती है उसकी बात कर सकते हैं पंडित जी, अभी हमारी ये शरारतें जारी रहेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। आइए हम लौट आए होली की शरारतों, होली की मस्ती, होली की धूम, होली की उमंग, होली के रंग और होली के कंप्लीट फन वाले माहौल में। तो आइए हम पंडित विश्वेश्वर शर्मा से सुन रहे थे उनके शरारत भरे कुछ गीत, एक और फरमाइश पंडित जी आपसे, देश की जनता सुनना चाह रही है आपको होली के दिन। कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला खटकाना, कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला केवड़ियाना खटकाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला जुआड़े तैयार जाना। क्या बात है, जब से बिहाई तब से न आई एक भी रात सुहानी, जब से बिहाई तब से न आई एक भी रात सुहानी, क्या बात, और पी गए परदेश कमाने छूनी छोड़ जवानी, आए रात रात हो रोए रात रात चुनरी का पल्ला, सबर कब तक खाना आए, आए। किमड़िया ना खटकाना, आगे ताला पीछे ताला बंद सभी दरवाजे, आगे ताला पीछे ताला बंद सभी दरवाजे, और चाबी मेरे पास नहीं है पायलिया जब बाजे, पायलिया जब बाजे रामा, पायलिया बाजे, चाबी मेरे पास नहीं है पायलिया जब बाजे, जिस खिड़की का पर्दा लगे खुला उसी में तुम आ जाना, ताला है लल्ला पिछवाड़े तई आ जाना, क्या कोचिंग है, हो ना मोहल्ले में हल्ला किवड़िया ना खटकाना, क्या बात है, क्या बात है।
आइए आइए। भाई बहुत बढ़िया पंडित विश्वेश्वर शर्मा के लिए, डॉक्टर सरिता शर्मा के लिए और महेश दुबे के लिए जोरदार तालियां। भाई कमाल कर दिया आपने, इस होली के एपिसोड को लाजवाब बना दिया। होली के इस एपिसोड में मस्ती थी, थोड़ी बहुत शरारत भी थी। होली के दिन शरारतें होनी भी चाहिए, अगर होली पे शरारत नहीं होगी तो फिर कब होगी। पंडित जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं हो ना मोहल्ले में हल्ला, केवड़िया ना खटकाना, दरवाजे पे ताला है लल्ला, पिछवाड़े तय आ जाना। लेकिन होली के दिन कहीं पिछवाड़े जाने की जरूरत नहीं है, होली के दिन तो हम आमने सामने होते हैं, होली खेलते हैं। एक चीज जो हमने बचपन से सुनी है होली के दिन, बहुत खूब आपको यही संदेश दे सकता है कि होली के दिन अपने दुश्मनों को भी गले लगाइए। होली के दिन कोई दुश्मन नहीं रहना चाहिए, जीवन में दुश्मन शब्द होना ही नहीं चाहिए। जीवन में दुश्मनी, यहाँ दोस्ती करने को वक्त नहीं है साहब, प्यार करने को जिंदगी इतनी कम है तो क्यों नफरत की जाए, क्यों दुश्मनी की जाए। आइए हम रंग अबीर गुलाल लेके निकलें और लगाएं उनके गालों पे जो आपसे थोड़े नाराज हैं, लगाएं उनके गालों पे जिनसे आप थोड़े से नाराज हैं, लगाएं उनके गालों पे जिन्हें आप अच्छे नहीं लगते, लगाएं उनके गालों पे जिन्हें देख के आप मुंह कतरा के निकल जाते हैं, लगाएं उनके गालों पे जो आपको देखकर मुंह कतरा के निकल जाते हैं, लगाएं उनके गालों पे जो आपको पसंद नहीं करते, लगाएं उनके गालों पे आप जिन्हें पसंद नहीं करते, लगाएं उनके गालों पे जिनसे आप बात नहीं करते, लगाएं उनके गालों पे जो आपसे बात नहीं करते, लगाएं उनके गालों पे जो आपको देख के खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लगाएं उनके गालों पे जिन्हें देख के आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लगाएं उनके गालों पे जो अगर रास्ते में मिल जाए तो आप मुंह फेर लेते हैं, लगाएं उनके गालों पे जिन्हें आप रास्ते में मिल जाए तो वो मुंह फेर लेते हैं। तो जो एक दूसरे को देख के मुंह फेर लेते हैं, अगर वो आज के दिन एक दूसरे को गुलाल लगा के, रंग लगा के, अबीर लगा के, टीका लगा के गले मिलें और कह दें कि भाई होली मुबारक हो, तो फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है। हम चाहते हैं कि आपकी दुनिया खूबसूरत हो, हमारी दुनिया खूबसूरत हो, इसकी दुनिया खूबसूरत हो, उसकी दुनिया खूबसूरत हो, सबकी दुनिया खूबसूरत हो, ये दुनिया खूबसूरत हो, ताकि हर होली पे हम कह सकें बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।